नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लॉ के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। एलएलबी क्या है, कितने साल का होता है, एलएलबी कौन कर सकता है, एलएलबी में आपको फीस कितनी लगेगी, एलएलबी करने का क्या क्या फ़ायदा है, एलएलबी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा दिलाना पड़ेगा, आपकी एलएलबी कंप्लीट होने के बाद आप कितनी सैलरी अर्न कर सकते हो, और आपको जो कॉलेजेस है छत्तीसगढ़ में उसके बारे में बताऊंगा। 24 कॉलेज की लिस्ट लेके आया हूं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरस साहू। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दे ताकि न्यू वीडियो पहुँचती रहे। इस चैनल के माध्यम से स्पेशली छत्तीसगढ़ के जो जितने कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में पूरी जानकारी दिया जाता है। आपको जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के फॉर्म वगैरह आता है उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं एलएलबी क्या है। तो एलएलबी का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। यह 3 साल का होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है और अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। इसमें आपको 6 सेमेस्टर होती है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। आपको इंटरग्रेटेड कोर्स करना है तो आप 12th के बाद कर सकते हो, जिसमें BA LLB, BCom LLB, BBA LLB और भी बहुत सारे टॉपिक में इंटरग्रेटेड कोर्सेस होती है, आप इसमें पढ़ाई कर सकते हो। यह 5 साल का होता है जिसमें 10 सेमेस्टर होती है। अब बात करते हैं कि LLB कौन कर सकता है। तो LLB सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं, कॉमर्स वाले कर सकते हैं, आर्ट्स वाले कर सकते हैं, साइंस वाले कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट LLB की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको फ़ीस कितनी लगेगी। तो डिपेंड करता है आप कौन सा यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में पढ़ाई करते हो। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम लगेगी, प्राइवेट कॉलेज में आपको फ़ीस ज़्यादा लगेगी। मिनिमम आपको 20,000 और मैक्सिमम आपको 1,00,000 तक की फ़ीस लग सकती है। अब बात करते हैं कि LLB करने का क्या फ़ायदा है। तो आप LLB करने के बाद आप लॉयर बन सकते हो, लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, और आप जज भी बन सकते हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हो। तो LLB करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके लिए आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं डिटेल से बाद में वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो LLB पढ़ाई करने के बाद आपको सैलरी एक्सपीरियंस के ऊपर मिलेगी। आपको स्टार्टिंग में किसी दूसरे लॉयर के पास वर्क करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप खुद से काम स्टार्ट करोगे तो आपको 40,000 से 1,00,000 तक की पर मंथ इनकम कर सकते हो। और अगर आप किसी लॉयर के पास सीखने के लिए जाओगे तो आपको कम से कम 10-15,000 तो देंगे ही। उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा फेमस जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और भी बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, तो आप सिलेबस डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कॉलेजेस कहाँ कहाँ मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट लेके आया हूँ जिसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कॉलेजेस है उसके बारे में। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर में है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, जो कि रायपुर में स्थित है, जिसकी लोकेशन है ग्रेट ईस्टर्न रोड, आमानाका, रायपुर। यहाँ BA LLB की पढ़ाई कर सकते हो, LLB की पढ़ाई कर सकते हो और LLM की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है गवर्नमेंट जे योगानंदम कॉलेज रायपुर, यहाँ आप LLB की पढ़ाई कर सकते हो, LLM की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है हिद्या तुला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि रायपुर में स्थित है, आप यहाँ BA LLB कर सकते हो, LLM कर सकते हो और PhD इन लॉ में कर सकते हो। उसके बाद है गवर्नमेंट घनश्याम सिंह गुप्त कॉलेज, जो कि बालोद में स्थित है, आप यहाँ LLB की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है सरगुजा यूनिवर्सिटी अंबिकापुर है, आप यहाँ LLB की पढ़ाई कर सकते हो, LLM की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है गवर्नमेंट PG कॉलेज अंबिकापुर सरगुजा, आप यहाँ LLB की पढ़ाई कर सकते हो, LLM की पढ़ाई कर सकते हो। गवर्नमेंट डी बी दाऊ कल्याण कॉलेज बलौदा बाजार, आप यहाँ LLB की पढ़ाई कर सकते हो। गवर्नमेंट TCL कॉलेज, जो कि जांजगीर में स्थित है, आप यहाँ LLB कर सकते हो और LLM कर सकते हो। उसके बाद है गवर्नमेंट काकतिया पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज जगदलपुर, आप यहाँ LLB की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है भानु प्रताप देव गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज कांकेर बस्तर, आप यहाँ LLB की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है DP विप्रा लॉ कॉलेज बिलासपुर, यहाँ आपको BA LLB मिलेगा, LLB मिलेगा, LLM मिलेगा और PG डिप्लोमा मिलेगा, जो कि 1 साल का होता है। इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में पढ़ाई कर सकते हो, PG डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी लॉ में कर सकते हो। उसके बाद है सेठ रतन चंद सुराना लॉ कॉलेज, जो कि दुर्ग में स्थित है, आप यहाँ LLB की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है कल्याण लॉ कॉलेज भिलाई सेक्टर 7, आप यहाँ LLB की पढ़ाई कर सकते हो।
RCS लॉ कॉलेज दुर्ग, यहाँ आप LLB की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है साव कुसुम ताई दापके लॉ कॉलेज जो कि रायपुर में स्थित है, आप यहाँ LLB की पढ़ाई कर सकते हो। दिशा ग्रुप आप इंस्टीट्यूट रायपुर, आप यहाँ LLB BA LLB कर सकते हो। उसके बाद है पंडित किशोरीलाल शुक्ल लॉ कॉलेज राजनांदगांव, आप यहाँ LLB की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है कौशेंद्र राव लॉ कॉलेज बिलासपुर, आप यहाँ LLB LLM और PG डिप्लोमा की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें अमित यूनिवर्सिटी रायपुर, यहाँ BA LLB पढ़ाई कर सकते हो जिसमें ऑनर्स है, BBA LLB कर सकते हो इसमें भी ऑनर्स है, और LLM की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है ISBM यूनिवर्सिटी रायपुर, यहाँ आप LLB की पढ़ाई कर सकते हो, BBA LLB कर सकते हो, LLM कर सकते हो, PhD एंड MPhil कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। उसके बाद है ITM यूनिवर्सिटी रायपुर, यहाँ आप BBA LLB कर सकते हो। कलिंगा यूनिवर्सिटी, ये भी रायपुर में स्थित है, आप यहाँ BA LLB LLB LLM की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है CV रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, यह ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेगा जैसे BA LLB BCom LLB LLB LLM और PhD की पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। उसके बाद है मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर, यहाँ आपको LLB मिलेगा, BA LLB मिलेगा, BBA LLB मिलेगा और LLM मिलेगा। तो ये सब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लिस्ट है जिसमें आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कर दे। आप अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी आपके सवालों का जवाब देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।